नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे अपने YouTube चैनल डिजिटल विद चंदन में। तो दोस्तों आप सब कैसे, उम्मीद करूंगा कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीटेट 2022 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अब मात्र 2 मिनट में कैसे आप सब सीटेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी बताने वाला हूँ कि आप सब कैसे मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली अपने ब्राउजर को ओपन करना है। यहाँ पर सिंपली आप सभी को कुछ ना सर्च कर लेना है सरकारीरिजल्ट.com। सरकारीरिजल्ट.com जैसे सर्च करेंगे पहला वेबसाइट खुल के सामने आएगा, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर सिंपली आप सब क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद से दूसरा पेज खुलेगा। इस पेज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से इस पेज पर आ सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से देखिए एडमिट कार्ड 2022 दिया है, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आप सभी को स्क्रॉल करते हो थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाना है। यहाँ से आप सब डेस्कटॉप साइज कर सकते हैं कि थोड़ा बड़ा बढ़िया से दिखाई दे। यहाँ से करने के बाद से आप सभी को स्क्रॉल करते हुए थोड़ा नीचे आ जाना है। तो आप सब थोड़ा नीचे आते रहिएगा स्क्रॉल करते हुए। नीचे आएंगे तो आप सभी को दिखाई देगा, यह सब नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से मैं बताने वाला हूँ कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर दिया एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर सिंपली आप सभी को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आप सभी को मैं बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा जूम करके। देखिए यहाँ से आप सभी को रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा होगा, तो यहाँ से भी आप सभी को रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। आपको जो भी आप लोग ऑनलाइन कराएंगे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पूछेगा, आप सभी को रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद से यहाँ आप सभी को पूछेगा डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ से नीचे देखिए दे रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद से यहाँ से आप सभी को कैप्चा कोड को फिल करने के लिए भरने को बोल रहा होगा। यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, उसके बाद से आप सभी को कैप्चा कोड को भर लीजिएगा। कैप्चा कोड को भरने के बाद से यहाँ पर नीचे दिया रहेगा प्रस्तुत का ऑप्शन, दिया रहेगा आप सभी को प्रस्तुत का ऑप्शन। आप सभी प्रस्तुत के ऑप्शन का वही सबमिट बटन है, सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद से ऐसे करते ही आप सभी का एडमिट कार्ड उनके सामने आ जाएगा, आप सभी के सामने। तो देखिए यह रहा मेरा एडमिट कार्ड। आप सब ऐसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। तो ऐसे ही आप सब डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आ जाइए स्क्रॉल करते हुए। अगर आप सभी को डाउनलोड करना होगा तो नीचे सेव यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन देखने को आप सभी को मिल रहा होगा, तो ऐसे पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद से आपके सामने दूसरा पेज ओपन होगा, वहाँ से सेव PDF में देगा, सेव एस PDF दिखाई दे रहा होगा आप सभी को स्क्रीन पर। यहाँ से अपना PDF को सेव कर लीजिएगा। यहाँ से अपना PDF को सेव करने के लिए यहाँ से नाम पूछ रहा हो, तो नाम जिस भी आपका जो भी नाम हो यहाँ से डाल सकते हैं, या जो भी आपका नाम यहाँ से डालना हो वो अपना नाम डाल के सेव कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरा नाम है करण, तो मैं अपना नाम करण डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे करते ही आपका जो भी PDF होगा सेव हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।